अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। अशोक जी, ऐसा है कि यस, आपने जो भी बोला वो बात सही है कि मैंने बहुत छोटे तरीके से स्टार्ट किया, बट सवाल इतना है कि सर आपका कोशिश रहना चाहिए कि भाई बड़े लोगों तक किस तरीके से पहुंचूं, क्योंकि आज किसी का नाम एड्रेस आपको बहुत इजीली अवेलेबल है आज का तारीख में स्पेशली। बट अगर दोस्त, अगर आप पीछे जाके देखेंगे, यस तभी गूगल नहीं था, आपको यूट्यूब नहीं था, तो आपको वो सब नाम एड्रेस लोगों का नहीं मिलता था। बट सिंपल बात यह है कि अशोक जी, आप जहां भी रहते हो, आप घर से निकल के, मुझे पूरा विश्वास है आप जैसा घर से निकल के आपका LIC ब्रांच होगा या आपका कोई कस्टमर का एग्जिस्टिंग क्लाइंट होगा या आपका कोई मतलब और कोई रिलेशन से या आपका बच्चे का स्कूल होगा या कॉलेज, कहीं भी जाते होंगे आप, जिधर से निकले आपको जहां जाना है, इस बीच में कम से कम 50 बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब निकलते तो आपको देखेगा अच्छे 10 बड़े बड़े बिल्डिंग दिखेगा, बड़े बड़े गाड़ी का शोरूम दिखेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन दिखेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, कुछ नहीं तो भी उस एरिया में इतना बड़ा बिल्डिंग दिखेगा जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा, ये तो इस बिल्डिंग में तो फ्लैट 2 करोड़ का है, इस बिल्डिंग में तो फ्लैट 3 करोड़ का है, इस बिल्डिंग में तो 5 करोड़ का है। तो इनको आप अप्रोच करने का सोच कहाँ रखा आपने? तो आपको ये सोचना चाहिए मैं इनको अप्रोच करूँ। अभी अप्रोच करने का अपना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप और हम सब साथ में पढ़ा है कि कोल्ड कॉलिंग का तरीका भी, उसमें एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, आपको पता है कोल्ड कॉलिंग क्या होता है। तो कोल्ड कॉलिंग का तरीका यूज कीजिए तो लोगों तक पहुंचिए और बिकते हुए सी एनी मास कैनवास जब आप करते हैं रिजल्ट इज ऑलवेज 2-3%। तो वो 2-3% इज बिगिनिंग में उसका जरूरत है और आप वहां से ही ग्रोथ होगी। उसका बाद आप जो करते हो, लोगों को जो अच्छा लगता है, जिसका वजह से वो आपको अच्छा लगते हैं, और उनसे जब आप रेफरेंस मांगते हो, सर आपने तो ये कर लिया, आपका ब्रदर, आप क्योंकि नॉर्मली उन्होंने जो भी इंश्योरेंस लेते हैं वो हमारे पास एक डेटा शीट फिलअप करना होता है जिसमें फैमिली हिस्ट्री देना होता है। उस फैमिली हिस्ट्री में तो आपको समझ में आएगा उनके पास कितने ब्रदर्स है, कितने सिस्टर्स है, उनका एज क्या है, उतना लिखने के बाद आपको अंदाजा आ गया कि आप फर्स्ट ब्रदर का साथ बैठे हो या लास्ट वाले का साथ बैठे हो। बाकी लोग अगर इनसे बड़े ही है, अगर ये खुद अगर इतना लेवल पे है, इनका ब्रदर्स इसका आसपास का लेवल में होंगे, तो उनको बोलना सर आपने किया है तो आपका ब्रदर को भी करना चाहिए, आपका सिस्टर को भी करना चाहिए, आप जरा प्लीज बोल दीजिए मैं जाके उनको मिलके जिस तरीके से मैं आपको समझा वैसा उनको समझाता हूँ। जब ये अगर आपने सही काम उनका साथ किया है, वो रियली आपसे एकदम इम्प्रेस्ड है और उनको रियली ऐसा लगे कि आपने सच में उनके एक मार्गदर्शन दिया है और उनका इन्वेस्टमेंट परफेक्ट वे में किया है, 101% वो चाहेंगे कि आपको कुछ रेफरेंस दे। और देखिए, हर एक इंसान का पास कम से कम 2-3 अच्छे मित्र होते हैं, हर एक का साथ होता है, और मतलब जिनका मतलब रेगुलरली फोन में बात करना, रेगुलरली मिलना, रेगुलरली पार्टी करना, इस तरीके से मिलता, तो उनको उनका रेफरेंस आपको देने में उनको बिल्कुल आगे पीछे नहीं करते, वो दे देंगे तो आपको तुरंत क्या मिल गया, 2-3 फ्रेंड्स मिल गए, 1-2 रिलेटिव मिल गए, तो 5 लोग तो एक में से 5 हो गया आपका, वो 5 को फिर 25 बनाओ, 25 को फिर 125 बनाओ। तो इसी यही तरीका होता है ग्रोथ होने का, बाकी कोई तरीका नहीं। और जिस स्टेज में अशोक इतापे जी आज का तारीख में है, आपके कोल्ड कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप रेफरेंस में काम करो, बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।